नासर टीवी न्यूज के साथ कैसे दिलावर जदून। कोरोना वायरस की वबा के पेश नजर पाकिस्तान भर में होने वाले लॉकडाउन की वजह से बहुत से दिहाड़ीदार मजदूर घरों में मैसूर होकर रह गए हैं, मगर वजीर आजम की इमदाद मुकम्मल तौर पर मुस्तहिक लोगों तक नहीं पहुँच रही। पिछले डेढ़ माह से अभी तक लिस्ट तैयार हो रही है। इन ख्यालात का इजहार मेजर ग्रुप पीटीआई फतेह जंग के रहनुमा मलिक नुसरत माजिया ने किया। उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए मजीद कहा कि जहां तक इस पे कोरोना वायरस पे जो है वो आगे हुकूमत के हुकूमती इकदाम हैं, उस हवाले से मैं बात करूँगा कि अभी तक वो जिस तरीके से होने चाहिए थे वो हमें वो रिजल्ट आवाम तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। जहाँ तक वज़ीर आज़म साहब का तल्लक है वो इस बारे में बिल्कुल फेयर हैं और उनकी कोशिश भी है कि गरीब बंदों को गरीब आवाम को जितना भी हो सके रिलीफ मिले, लेकिन आगे जो सिस्टम है पहुँचाने वाला वो अभी तक लिस्टें बन रही हैं, एक बनती है, दूसरी बनती है, तीसरी बनती है, वो अभी तक उधर तक काम लिस्टों पर चल रहा है। अभी इसको तकरीबन मेरे ख्याल में मुताबिक डेढ़ माह होने वाला है। अब डेढ़ माह में अगर सिर्फ लिस्टें तैयार हो रही हैं तो वो गरीब बंदे बेचारे वो जो दिहाड़ीदार हैं मजदूर हैं वो मतलब ये है कि उनको तो एक दिन का कमा के लाते हैं तो शाम को खाते हैं, तो वो कैसे एक डेढ़ माह से गुजारा कर रहे हैं वो उन्हीं को पता है, अल्लाह पाक उनकी अपनी मदद फरमाए। तो जो अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से आया है वो बेनजीर इनकम टैक्स सपोर्ट के तहत वो एक फंड आया है, वो तो ऑलरेडी पहले मिल रहा था उन बंदों को, हालांकि वो भी जो मिल रहा था उसमें से अक्सरियत ऐसी है कि 80% 70% बंदे हैं जो हकदार नहीं हैं लेकिन उनको मिल रहा है, क्योंकि ये सर्वे हुआ था आज से 8-10 साल पहले, तो उसमें से काफ़ी बंदे ऐसे डाल दिए गए थे जो साहिब हैसियत हैं जिनकी अपनी मतलब मकान हैं, गाड़ियाँ हैं, कारोबार हैं, सिस्टम है, वो भी ले रहे हैं। इसको चाहिए ये था कि जिस वक्त ये सिस्टम अगर इमदाद करनी थी तो उसमें यह है कि नए सिरे से सर्वे होता, गांव लेवल पे होता, शहर की वार्ड लेवल पे होता, उसमें से ये होता कि वार्ड का अगर है तो उस वार्ड की मस्जिद में ऐलान किया जाता, उसमें कमेटी बनाई जाती, मस्जिद इमाम होता, साहबों को काउंसलर ले लेते, कोई मस्जिद खटवाएँ दो चार जो मस्जिद शरीक हैं वो ले के उस कमेटी को बनाते तो वो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट आते। अभी जो बंदों को हकदार हैं उनको तो मिला कोई नहीं है, कभी एक रुपये भी तक अभी तक नहीं आया है। बेनजीर इनकम टैक्स सपोर्ट के पैसे जो हमें मिले हैं वो मैंने आपको बताया कि वो 80% बंदे इसके मुस्तहिक ही नहीं थे, उन्होंने ले लिए। जो हकदार हैं वो अभी दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। तो हमारी मेरी तो फिर भी रिक्वेस्ट है कि इसको जल्द अज जल्द जो भी देना है ताकि गरीब आवाम तक वो पहुँचना चाहिए। हकदार बंदों को अंदर भी नहीं मिलेगा, मैंने आप पहले भी बताया कि पहले भी नहीं मिला है फिर भी नहीं मिलेगा, तो जो हकदार नहीं है वो ले जाएंगे, गरीब दर बदर की ठोकरें खाती जाएंगे। तो मेरी इसी हिसाब से भी रिक्वेस्ट है कि जिस वक्त वो कोई फंड आता है, मतलब ये है कि गवर्नमेंट की तरफ से एड्स आती हैं, कुछ सामान आता है, राशन आता है या नकदी आती है, तो हमारी ये एक रिक्वेस्ट है कि जो उस एरिए के मुअज्ज़ज़ बंदे हैं, खटबैंक बंदे हैं, सहब हैसियत लोग हैं, उनकी मौजूदगी में उनको दिया जाए, उनको पता होता है कि वो हकदार कौन है। मैं एक बंदा फतेहगंज बैठा है उसको क्या पता है किसी गांव का हकदार कौन है, वो ही जानता है ना जो उस गांव में रह रहा है और वो मजद है, उस मतलब साहब हैसियत है खुद भी, उसको पता होता है कि वो इंशाल्लाह कभी वो नैंसा भी नहीं करेगा। तो उन बंदों की मौजूदगी में ये चीज़ दी जाए ताकि गरीब को मतलब ये गरीब का भला हो सके, उन तक वो चीज़ें पहुँच सके। साथी रिपोर्टर वसीम बदामी के साथ कैसे दिलावर जुनून शनासा टीवी हसन अब्दाल। हम रखते हैं आपको इलाके भर की हर खबर से बाखबर। मजीद बाखबर रहने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के लिए वीडियो के नीचे लेके सब्सक्राइब पर क्लिक करें और बेल आइकन दबा दें। शनासा टीवी, आपका अपना टीवी।